Hey, hi friends, welcome back in my new video. And today here I am again with a new success story. Today I am here with Sneha Agrawal, and she is basically from Odisha, Rahul Killa, and she also cleared her CMA exam in very first attempt. और ये बहुत बड़ी लाइफ की अचीवमेंट होती है जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आप एग्जाम क्लियर करते हो. प्लस सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि शी सिक्योर्ड हर फर्स्ट जॉब इन सीएमए कैंपस प्लेसमेंट इन वेदांता एंड शी गॉट ए पैकेज ऑफ 11.45 लाख्स. सो बहुत बड़ी अचीवमेंट है लाइफ की कि आपने वन शॉट में एग्जाम क्लियर किया एंड देन कैंपस भी आपने क्रैक किया. सो ये वीडियो आपको एक स्ट्रेटेजी बनाने में बहुत हेल्प करेगी कि आप अपने सीएमए स्टडी के लिए आप किस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हो, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल और वन शॉट में आप क्लियर कर सकते हो. वो भी स्टूडेंट जिनके मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, दे विल आल्सो गेट मेनी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो कि उन्हें भी एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा. सो हाय स्नेहा, हाउ आर यू, कैसे हो आप? हेलो भैया, आई एम फाइन. सो कैसी फीलिंग है आफ्टर सिलेक्शन इन कैंपस, और अभी तो बिल्कुल फ्री माइंडेड हो चुकी होगी? हाँ, मतलब अभी तक मेरे को प्रॉपरली सच में वैसा बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मतलब सब खत्म हो गया, मेरा पढ़ाई जॉब लग गया, सब कुछ खत्म हो गया लाइफ में, अब दूसरा लाइफ एक नया स्टार्ट हो रहा है. अभी तक वो चीज मेरे को यकीन भी नहीं हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है. अच्छा, जब कैंपस में जब ऑफर लेटर मिला था तो उस समय तुम्हारी फीलिंग कैसी थी? लाइक 11.45 लाख का पैकेज, लाइक कुछ एक्सपेक्टेशन था खुद से कि ऐसा कुछ होगा? मतलब मेरा तो पहला कंपनी वेदांता ही टारगेट किए थे हम कि उसमें बस हो जाए, उसी के लिए प्रे कर रहे थे. और पहला कंपनी उसी में इंटरव्यू लिए थे क्योंकि वो सुबह इंटरव्यू ले लिए थे वो लोग ने. तो बस जैसे इंटरव्यू दिए वो लोग ने एक लेटर पकड़ा दिया, तो वो लेटर तो वो लोग सबको दे रहे थे, वो एक नॉर्मल लेटर था. तो बाहर आके पता चला वो सबको दे रहे हैं, और जैसे वो लेटर लेके बाहर आए वैसे ही उन्होंने मेरे को एक रूम में बोला कि वहां जाके एक साइन करो कंसेंट लेटर पे. और वो साइन इसीलिए था कि दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड और तुम अब दूसरे कंपनी में नहीं बैठोगी, तुम ब्लॉक हो चुकी हो. तो मतलब सब कुछ इतना फटाफट हो गया ना कि टाइम ही नहीं मिला कि कुछ सोचे. अच्छा, तो फिर मतलब यकीन तो नहीं था. मम्मा को जब कॉल किया तो फिर मम्मा का क्या रिएक्शन था? हाँ, तो सबसे हम कॉल किए थे, मम्मी, दादी, पापा को, सबको कॉल किए. तो फिर सब बहुत खुश थे, फिर सब कोई पैकेज पूछे तो बोले बहुत अच्छा है पहली बार में, क्योंकि इतना लगना तो बहुत अच्छी बात है. right. तो मतलब इतना साल से पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग भी देख रहे हैं, तो आखिरकार कुछ हुआ उसका. सही है, अच्छी बात है. सो नाउ अब तुम्हें फील हो रहा होगा कि यू कैन से लाइक प्राउड टू बी सीएमए, राइट? अच्छा किया. हाँ, करके प्राउड टू बी सीएमए. तो चलो स्टार्ट करते हैं तुम्हारी जर्नी. लाइक आप थोड़ा सा ना अपने एकेडमिक के बारे में बताओ कि आप 10-12 में आप कैसे थे पढ़ाई में, या फिर आपका इंटरेस्ट कैसा था पढ़ाई को लेकर? मेरे को बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा खासा इंटरेस्ट है, मेरे को पढ़ने का बचपन से शौक रहा है. तो मतलब मेरे को वैसा बोर कभी नहीं लगा है कि नहीं पढ़ाई से बोर हो गए हैं. तो 10-12 भी अच्छा पास से गुजरा. 12 में इनफैक्ट सबसे हाईएस्ट परसेंट मेरा ही था, और 10 में भी टॉप 3 में थे हम. और फिर 12 खत्म हुआ, तो 12 जैसे खत्म हुआ 2019 में 12 खत्म हुआ, तो फिर B.Com के साथ साथ CMA परस्यू करना था. बट B.Com मेरे को ऐसा कॉलेज से करना था जो कि नॉन अटेंडिंग हो, जो मेरे को जाना ही ना पड़े. तो मैंने यहाँ पे एक लोकल कॉलेज सिलेक्ट किया था जो म्युनिसिपल कॉलेज ऑफ राउरकेला है, वो नॉन अटेंडिंग कॉलेज है. तो B.Com का डिग्री उससे परस्यू कर लिया और साथ साथ CMA भी कंटिन्यू करते गए. तो वैसा कुछ दिक्कत नहीं आई क्योंकि B.Com में भी लगभग सेम सब्जेक्ट है जो CMA में, तो दोनों वैसा कुछ दिक्कत नहीं आया, इजीली हो गया. ओके. अच्छा ये बताओ, लाइक जैसे आपने CMA के बारे में आपको कैसे पता चला, आपने कैसे रिसर्च किया एंड आपने CMA क्यों डिसाइड किया? जैसे सबके तरह जैसे आज भी बहुत लोगों को CMA नहीं पता है, मेरे को भी 12 तक नहीं पता था कि CMA क्या होता है. CA ही पता था कि हाँ CA कुछ होता है. तो 12 में एक पर सेशन हुआ था कुछ करियर वगैरह का, तो उन्होंने सब बच्चों को पूछा था कि आपको क्या करना है. तब मेरे को पता ही नहीं था मेरे को क्या करना है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, मेरे को भी नहीं पता था. मेरे को बचपन से था कि MBA करना है, पर वो क्लियर नहीं था सबका सुन के बस कि MBA अच्छा है. तो 12 में हुआ वो चीज, तो फिर मेरी एक फ्रेंड बोली कि CMA करना है क्योंकि उसकी सिस्टर कर रही थी. अच्छा, तो मेरी वो क्लोज फ्रेंड थी, तो हम भी बोल दिए कि हाँ मेरे को भी CMA करना है. तब तक मेरे को पता भी नहीं था होता क्या, ये 12th का इनिशियल फेज में था बात। तो जब पता करे इसके बारे में आखिर ये होता क्या है, यूट्यूब वीडियो से पता किए क्या होता है, तो पता चला एग्जैक्टली सीए जैसा ही है। तो थोड़ा बहुत सिलेबस का डिफरेंस है और एग्जैक्टली सीए जैसा ही है। तो फिर इंटरेस्ट आया, सोचे कि ठीक है चलो सीए में करते हैं, इंटरेस्ट आया, फिर इसका कोर्स वगैरह देख के इंटरेस्ट आया। ओके, सो लाइक आफ्टर जब तुम फाउंडेशन में आई सीएमए के, तो तुम्हें कुछ चैलेंजेस आ रहे थे स्टार्टिंग फेज में, लाइक बिकॉज यहाँ का पेपर पैटर्न अलग था, सिलेबस अलग था, तो कुछ चैलेंजेस थे फाउंडेशन में। तो एक तो इकोनॉमिक्स था जो कि मेरे 12th में था, तो मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया, 12 सेम था पूरा। एक लॉ था जो नया था, जो मेरे को 12th में नहीं पढ़ाया गया था, तो लॉ तो थियोरेटिकल सब्जेक्ट था, बट लॉ पढ़ के मेरे को वो अच्छा लगा, तो मेरे को उसमें इंटरेस्ट आया। और एक मैथ्स था, तो मैथ्स तो मेरा हमेशा से वीक रहा है, और 11th 12th में हम मैथ्स लिए भी नहीं थे, मेरा कंप्यूटर था सब्जेक्ट, ऑप्शनल था मैथ्स, तो मैथ्स नहीं लिए थे हम, कंप्यूटर लिए थे। तो मैथ्स में थोड़ा दिक्कत आया, बट वो मैथ्स एकदम वैसा है कि कोई भी कर लेगा वैसा है, और जो 11th 12th में मैथ्स लिया है वो तो पक्का कर लेगा। नहीं है लाइक मुझे भी लगा कि तुम ऐसा बोलने वाले हो कि तुम्हारा मैथ भी स्ट्रांग था, फिर मुझे लगा कि यार मतलब सबसे वीक स्टूडेंट मैं ही था इसका मतलब। नहीं, मैथ्स बचपन से ही थोड़ा वीक रहा है। एक्चुअली मैंने भी मैथ नहीं लिया था, तो मेरे को फाउंडेशन में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैथ लगा था। हाँ, मेरे को भी वही लगा था, उसमें मेरा नहीं हो पाएंगे हम पास, पर फिर हो गए, तो मतलब बहुत अच्छा लगा था, चलो एक अटेम्प्ट में हो गया क्लियर। So then, like, आपने फाउंडेशन by self किया था या आपने क्लासेज ली थी? By self तो पहला मतलब था सीए में, तो उतना कुछ आइडिया नहीं था, तो सेल्फ करने का सोचा ही नहीं। Okay. तो यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग वगैरह होता है सीएमए वगैरह का, तो उनसे क्लासेस लिया था। पहले तो उनके पास गए, उनसे पूछे कि सीएमए में क्या क्या कोर्स है, मतलब आप क्या ऑफर करते हैं, कौन कौन से सर है, सब कुछ कंसल्ट किए, उनसे समझे, फिर उसके बाद वहाँ पे क्लास ली, चारों सब्जेक्ट्स का वहीं पे लिया था। ओके, तो आफ्टर दैट जब आपका फाउंडेशन हुआ, देन इंटरमीडिएट एक अलग लेवल का चैलेंज था, राइट? 8 सब्जेक्ट थे, कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स थे, तो आपने उसके लिए फिर आपने कैसे डिसाइड किया क्या करना है, कैसे करना है, सिंगल ग्रुप जाना है या फिर बोथ ग्रुप जाना है? हाँ, तो पहले तो दिमाग में ये था कि सिंगल ग्रुप की बोथ देना तो है ही, एग्जाम पता है, लेकिन एक साथ दें कि अलग अलग दें। अब आगे से फाउंडेशन का मार्क्स देख के जैसे जो भी सर लोग थे वो प्रेशर डाल रहे थे कि नहीं, गो फॉर बोथ द ग्रुप्स, तुम कर सकती हो कर सकती हो, पर मेरे को कहीं ना कहीं पता था हम इतना प्रेशर नहीं हैंडल कर सकते कि हम 8 सब्जेक्ट एक बार में पढ़े। Right. तो बहुत आखिरी वक्त तक, फॉर्म भरने तक भी सोच रहे थे कि दोनों का भरेगी, एक का भर दे, लेकिन फिर एक का ही भरे, अपने आप को ज्यादा प्रेशराइज नहीं किए। हम बोले ठीक है, ये चारों सब्जेक्ट करते हैं, बट उसमें परफेक्शन के साथ करते हैं, 4-4 करके अलग अलग ग्रुप अलग। सो आपने जैसे वन शॉट में अपना इंटरमीडिएट क्लियर किया, तो आपकी बेसिकली स्ट्रेटेजी क्या रहती थी रिवीजन करने का? बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है कि लाइक कैसे रिवीजन करें, स्पेशली फॉर लॉ सब्जेक्ट को हम कैसे पढ़े। सेल्फ नोट्स में हम, मेरे को हमेशा से आदत है, हम नोट्स बनाते हैं, हम कभी बुक से नहीं पढ़ते हैं, जो बुक में लिखा है एग्जैक्टली भले वही लिखेंगे, बट हम खुद का पेन पेपर से लिखते हैं। Okay. हम खुद अपना हाथ से लिखते, तभी मेरे को वो चीज लर्न होता है। Okay. तो आपका एक तो नोट्स हो गया। Okay. और हाँ, और स्कैनर कितने टाइम्स आप रिवीजन करते थे? जैसे एग्जाम अगर दिसंबर में, तो सितंबर में मेरे को मेरा खत्म हो जाना चाहिए पढ़ा हुआ सब, और फिर नवंबर सितंबर मिड में खत्म हो जाना चाहिए। Okay. तो सितंबर का 15 डेज और नवंबर का पूरे एक महीना में मेरे को 2 बार रिवीजन करना है। ओके okay. तो वो हो जाता, कर लेते थे, तो ये 1.5 महीना में 2 बार रिवीजन कर लेते थे। ओके okay. अच्छा, लाइक रिवीजन में लाइक आप स्कैनर, स्टडी मटेरियल या फिर आपने जिस फैकल्टी की आपने क्लासेस ली थी उनके बुक्स आप सिर्फ रेफर करते थे? तो स्कैनर सबसे पहले, स्कैनर पूरा सॉल्व किए थे। Okay. जितना भी एक सेक्शन करके, मतलब बहुत पुराना नहीं, 2016 मेरा ओल्ड सिलेबस था, तो 2016 के बाद से जितना भी क्वेश्चन था हर एक सब्जेक्ट का वो पूरा सॉल्व किया। Okay. और फिर जो भी फैकल्टी का क्लासेस लिए थे, अगर वो लोग का चार्ट बुक्स वगैरह है, जैसे डायरेक्ट टैक्स का जिनसे लिए थे उनका चार्ट बुक था, वो बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड, मतलब बहुत प्रिसाइज फॉर्म में था, तो बहुत इजी हुआ था उनसे रिवीजन करना, तो वो प्रेफर किए थे। फिर एमटीपी वगैरह सॉल्व किए थे, सारा सब्जेक्ट्स का नहीं बोलेंगे पर कुछ कुछ का एमटीपी सॉल्व किए थे। अच्छा, देन आपका सेम स्ट्रेटजी आपका इंटरमीडिएट जिससे आपने क्रैक कर लिया। अच्छा, आपके लाइक अगर मार्क्स देखा जाए तो आपने इंटरमीडिएट में कितने परसेंटेज मार्क्स अचीव किए थे? इंटरमीडिएट में पहला अगर ग्रुप देखें तो 303 समथिंग था, ओके लगभग, और ग्रुप टू में देखें तो 280 कुछ, 290 280 कुछ था। अच्छा, देन लाइक आफ्टर क्वालिफाइंग इंटरमीडिएट आप इंटर्नशिप के लिए आप सीए फॉर्म गए, राइट? तो आपको लाइक एक्सपोजर कैसा मिला था इंटर्नशिप में, और आप स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहते हैं इंटर्नशिप के रिगार्डिंग? जब मेरा दोनों इंटर का ग्रुप क्लियर हुआ उसके बाद हम इंटर्नशिप ज्वाइन किए, ताकि मतलब इंटर में मेरे को डिफिकल्टी ना आए। पहले पूरा पहले अपना खत्म किया इंटर, उसके बाद ज्वाइन किए सीए फॉर्म में। पहले तो जैसे बहुत जन से सुने थे इंडस्ट्री वगैरह ज्वाइन कर ले, right. इंडस्ट्री का भी सोचे, पर लेकिन बहुत जन ने बोला वहां पढ़ ले वो ज्यादा देंगे स्टाइपेंड, बड़ा जगह है, नाम आएगा रेज्यूमे में, बट वो लोग उतना काम नहीं सिखाते हैं जितना एक सीए फॉर्म में सीखने मिलता है मीडियोकर फॉर्म में। तो एक छोटा सा सीए फॉर्म ज्वाइन किए, वहां पे मल्टीपल काम देते, कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट था नहीं। तो सारा एक्सपोजर मिला जीएसटी का, इनकम टैक्स का, ऑडिट का, और भी बहुत सारा जैसे नोटिसेस आते हैं इनकम टैक्स का, उसका रिप्लाई करने का, और भी ऐसे छोटा छोटा एक्सेल, एमएस वर्ड सब सीखने मिला लगभग। ओके, सो देन लाइक इंटरमीडिएट सॉरी आप अपने इंटर्नशिप के साथ आपने फाइनल की स्टडी स्टार्ट कर दी थी, या फिर इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद आपने अपनी स्टडी स्टार्ट की? नहीं, इंटर्नशिप के साथ साथ जैसे हम क्या था, हम रिजल्ट का वेट नहीं करते थे। एग्जाम खत्म हुआ, 3 दिन का ब्रेक लिए, हम दूसरा ग्रुप स्टार्ट कर देते थे। अच्छा, मेरा था कि जो होगा देखा जाएगा, ऐसे तो था कि निकल जाए, नहीं निकला तो भी पढ़ना तो है ही है सब्जेक्ट, तो वैसा था। एग्जाम खत्म हुआ दिसंबर में, 4-5 दिन का ब्रेक लिए, डिसाइड किए कौन कौन से सर का कौन कौन सा क्लास लेना, वो क्लास लेके स्टार्ट भी कर दिए थे पढ़ाई, क्योंकि रिजल्ट को 2 महीना लगता है, ये 1.5-2 महीना कम से कम, तो टाइम वेस्टेज होता है वो, राइट। इसलिए हम स्टार्ट कर दिए थे पढ़ाई, और इधर अपना ये आर्टिकलशिप चल रहा था और साथ साथ पढ़ाई भी चल रहा था। तो मतलब बहुत डिफिकल्टी तो है आर्टिकलशिप के साथ करने में, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं मैनेज हो पाता है, और थक भी जाते हैं तो लगता भी नहीं है, बट वो चीज मेंटेन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी, कि नहीं आके बैठना ही है पढ़ना, ये चीज मेंटेन था फाइनल तक। सो लाइक सेम स्ट्रेटेजी आप फाइनल में भी थी, रिवीजन का 2 मंथ 2.5 मंथ का आपको रिवीजन, और आपने सिंगल ही ग्रुप थी, राइट, फाइनल में। अच्छा, कभी माइंड में लाइक फाइनल में थॉट नहीं आया कि चलो इंटर में मैंने सिंगल ग्रुप दिया है, 1 शॉट में क्लियर हुआ, तो फाइनल में बोथ ग्रुप के लिए जाऊं या रैंक के लिए जाऊं, ऐसा कोई थॉट नहीं आया? आया था, बहुत जन को देखने भी है जो मेरे सीनियर है जिन्होंने दोनों ग्रुप दिया है, सिंगल भी दिया है, बट जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं उनसे बात किया जो मेरे क्लोज हैं, तो उनका अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, मतलब बहुत डिफिकल्टी है। वो लोग जिस प्रेशर से जा रहे हैं, 8 पेपर एक बार में रिवाइज करना, पढ़ना, मतलब उतना मेरे अंदर नहीं है कि हम पढ़े 8 पेपर एक साथ। मेरे को रैंक, मेरे को चाहिए था कि सीएमए का डिग्री मिल जाए, रैंक मिले ना मिले, तो डिग्री मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट था। ओके, सो देन आपने जब सीएमए क्वालिफाई किया, एंड देन वो मोमेंट लाइक आपके लिए कैसा था जब आपके पास वो कांग्रेचुलेशन लिख के आता है कि वे हैव कंप्लीटेड योर सीएमए, और नीचे अब लिंक आया हुआ कि अपलोड योर रिज्यूमे फॉर कैंपस, सो वो वाला मोमेंट कैसा था? मतलब हमेशा से आज तक जितना भी एग्जाम हुआ है सीएमए का, हमेशा एक मन में रहता था कि हाँ ये हो जाएगा, बट इस बार जो लास्ट मेरा ग्रुप 3 था फाइनल का, तो वो दिए, तो उसमें क्या था, मेरा एसएफएम पेपर अच्छा नहीं गया था, मतलब आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन था, तो मेरे को यकीन नहीं था कि होगा, मेरे को पता था उसमें लटकेंगे, इसीलिए हम सोच रहे थे कि वापस कैसे प्रिपरेशन करना, ये सब सोचना स्टार्ट कर चुके थे। फिर अचानक, और इस बार सीएमए ने तो सुबह 6 बजे रिजल्ट निकाला है, 26 को बोला, पूरा दिन वेट किया, 27 को सुबह 6 बजे अचानक से फोन आ रहा है कि रिजल्ट आ गया है, एकदम ही। इस बार तो कुछ ज्यादा ही अनएक्सपेक्टेड था, और मतलब रिजल्ट आ गया। लाइक सोई हुई थी या उठी हुई थी तुम पहले से? नहीं, हम सोए थे, 6 बजे सोए थे। मेरी फ्रेंड का कॉल आया कि रिजल्ट आ गया, जल्दी देख। और हमेशा वही देखती है रिजल्ट, हम कभी देख ही नहीं पाते अपना रिजल्ट। तो बताई कि पास हो गई है, तो फिर तो कॉल करके बताया कि सीधे पास होगी। हाँ, वो देख चुकी थी, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके पास। ओके, तो बस फिर बहुत इमोशनली हो गए थे उसके बाद तो। अच्छा, फिर मम्मी को क्या बोली जाकर? हाँ, फिर फटाफट फोन रखे, बाहर गए। मेरे घर में बहुत सारे गेस्ट आए थे, कुछ फंक्शन था। ओके, तो अब सबके साथ बैठे हैं, मम्मी पापा दादी वगैरह। तो सबको एक साथ जाके बताया, फिर वो लोग का ब्लेसिंग्स वगैरह लिए, पैर वैर छूके। सब इतना खुश थे, हग वग किए, फिर सब कॉन्ग्रेचुलेशंस बोले, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट भी आए हुए थे। तो मम्मी पापा के लिए वो भी एक प्राउड मोमेंट है कि इतने सारे गेस्ट के सामने कुछ बने हैं। ये तो बढ़िया, डेफिनेटली बहुत अच्छा था। अच्छा, उसके बाद देन आफ्टर इट एक न्यू चैलेंज था तुम्हारे लिए कि कैंपस में जाना है, जॉब लेना है। ओके, सो लाइक तुम्हारी प्लानिंग कैसे चल रही थी कैंपस को लेके? मेरे को कुछ आइडिया वैसा था नहीं कि कैंपस प्लेसमेंट का क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे होता है, इसमें कितना कंपनी चूज करना पड़ता है, मेरे को कुछ नहीं पता था। Okay. फिर मैंने बहुत जन से पूछा कि कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। फिर मेरे को आपका क्लास के बारे में पता चला। Okay. मैंने एक ग्रुप था CMA फाइनल का, तो उसमें एक लड़की को टेक्स्ट किया था करके, इसके बारे कुछ पता है तो बताओ। तो उन्होंने आपका नंबर मेरे को सेंड किया था। अच्छा, बोला था कि रोहन भैया से पूछ लो, ये बता देंगे। और रेज्यूमे के बारे में भी मैंने सबसे पहले आपसे रेज्यूमे के बारे में पूछा था कि रेज्यूमे कैसे बनाना है। Okay. तो फिर आपका नंबर मिला, फिर पता चला आप कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं। क्या मेरी वीडियो पहले कभी नहीं देखी थी उससे पहले? नहीं, कभी नहीं। पर हम आपको लिंक्डइन में फॉलो करते थे, जैसे आप बहुत सारे सक्सेस स्टोरी जो भी अपलोड करते थे, बहुत पहले से लिंक्डइन में फॉलो करते थे हम आपको। तो मेरे को आपका नाम पता था, आप मतलब ऐसा कुछ करते हैं, कुछ गाइडेंस देते हैं, ये सब मेरे को पता था। अच्छा, तो लाइक व्हेन जब तुमने मुझे ज्वाइन किया और उसके बाद टिल तुम्हारी कैंपस तक की जर्नी लाइक कैसी रही? पहले तो हम बहुत कंफ्यूज थे कि ज्वाइन करें कि नहीं करें, लेकिन फिर जितना भी हम जन से पूछे, सबका एक बहुत पॉजिटिव फीडबैक था कि नहीं, बिना सोचे समझे कर लो। और ऊपर से इतना नॉमिनल प्राइस भी है, तो सोचना ही नहीं पड़ेगा ना ज्वाइन करने से पहले। तो ज्वाइन करके मेरे को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि हम पब्लिक स्पीकिंग में एकदम जीरो हैं, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हैं, हम बोल ही नहीं पाते हैं 10 जन के सामने। ज्वाइन करके मेरे को ये फायदा हुआ कि आप जो ग्रुप डिस्कशंस कराए उसमें बोलना सीखे। फिर एक बोलने से पहले जो अंदर घबराहट होता है वो बहुत खत्म हो गया एकदम। जब इंटरव्यू दिए तो लगा ही नहीं कि इंटरव्यू हो रहा है मेरा, इतने काम थे हम, वरना बहुत घबरा जाते हैं। तो वो चीज बिल्कुल नहीं हुआ कि डर लगा या कुछ भी। Okay. तो अच्छा, मेरे साथ ज्वाइन करके बहुत फायदा हुआ। मेरे जो नोट्स थे वो तुम्हें कैसे लगे? लाइक हाउ वाज इट फॉर यू? अच्छे थे? तो हम कहीं से और नहीं पढ़े, जितना भी आपका सारा PDF था उसमें तो लगभग A to Z सभी कवर है। तो हम सिर्फ उसी को ही पढ़े जितना दिन भी था मेरा इंटरव्यू तक, उसी को बार बार रिवाइज करते गए, एक दूसरे से क्वेश्चंस करते गए हम लोग, फ्रेंड्स लोग। तो वही मेरे को हेल्प किया, कहीं और एफर्ट नहीं करना पड़ा। सो लाइक अगर तुम मतलब अगर मैं पूछूं कि कुछ मेरे बारे में तुम्हें बेस्ट थिंग क्या लगा, सो तुम क्या बोलोगे? आप ही बेस्ट लगे मेरे को तो। मतलब एक होता है ना सीनियर, जो सर वाला वाइब्स देते हैं, सीनियर वाला वाइब, जिनको बोलने से पहले डरते हैं, तो वो चीज आपसे बिल्कुल नहीं लगता है। बहुत फ्रेंडली टाइप्स लगता है कि कुछ भी बोल दो, कुछ भी पूछ सकते हैं मन का बात, वैसा लगता है आपसे बात करके। और फिर मतलब आप जो भी पूछते हैं, जैसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वगैरह वगैरह, एक GD का टॉपिक्स जो भी देते हैं, तो बोलने में आपके सामने कभी घबराहट हुआ ही नहीं है। ऐसा लगता था बस बोल दे भैया, मतलब बता ही देंगे क्या राइट है क्या रॉन्ग, और बहुत अच्छे से आप समझाए जो भी है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में मेरे को सबसे ज्यादा हेल्प। ओवरऑल मैंने सबको मतलब प्रॉपर सपोर्ट किया, राइट? यही फीडबैक है? हाँ, एकदम। ग्रेट। सो लाइक देन हमने आपके कैंपस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि लाइक आपको वेदांता से ऑफर मिला एंड राइट नाउ यू आर एंजॉयिंग योर डेज विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो हाँ, लाइक हाँ, कुछ आपका सजेशंस फॉर अपकमिंग CMA, जो लोग CMA कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं और जो सीएमए बनना चाहते हैं उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे? तो मेरे को लगता है जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो बहुत मैटर करता है। ये पहले मेरे को नहीं लगता था जब तक हम खुद नहीं थे, पर जब हम खुद फर्स्ट अटेम्प्ट है तो मेरे को लगता है फर्स्ट अटेम्प्ट मैटर करता है। तो जो भी मतलब दोनों ग्रुप देने का सोचता है, दोनों ग्रुप अच्छा है। बट अगर अभी भी माइंड में कंफ्यूजन है कि नहीं दोनों ग्रुप दे या सिंगल ग्रुप, कंफ्यूजन के साथ है तो फिर सिंगल ग्रुप जाओ। इतना कॉन्फिडेंस है कि दोनों ग्रुप देना है तो दोनों ही ग्रुप दो। लेकिन मेरे लिए हम अपने ओपिनियन से बोलेंगे सिंगल ग्रुप ही बेस्ट। रैंक वैंक ठीक है बट डिग्री ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रैंक बहुत मैटर करता है। रैंक इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। सो हर किसी की अपनी अपनी वांट्स है, कोई चाहता नहीं मैं तो सिर्फ रैंकर ही बनूंगा। ठीक है बेटा, तुम्हारा ओपिनियन भी अच्छा है। इफ यू वांट टू प्ले सेफ एंड सेफर साइड, सो आप सिंगल करके आप वन शॉट में आप क्लियर कर सकते। ठीक है, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है उतना तो सिंगल ग्रुप दो और टाइम बचाओ और सीएमए क्लियर। और फिर कैंपस के लिए मेरे पास सजेस्ट करोगी अपकमिंग सीएमए वाले के लिए? हाँ एकदम, मतलब सीएमए कैंपस को लेके इतना कंफ्यूजन रहता है, किसी को फाइनल देने के बाद क्लियर नहीं होता है कि अब क्या अपलोड जो लिखा रहा है रेज्यूमे उसमें क्या करना है, क्या अपलोड करना है, रेज्यूमे कैसे बनाना है। तो जितना ही फ्रेंड्स लोग से पूछ लो बट एक अंदर कंफ्यूजन रहता है कि क्या ये सही बोल रहा है, क्या रॉन्ग बोल रहा है। तो आपका चार्जेस की वजह से आपके पास आना चाहिए। बहुत सारे सर है जो कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, मानते हैं, लेकिन आप जिस चार्ज में ये पूरा कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो कोई नहीं करता है। कोई भी स्टूडेंट्स इतना सीएमए में पैसा खर्च हो चुका है फिर लास्ट में और डेफिनेटली मैंने देखो मेरा प्राइस कम रखने का फर्स्ट रीजन क्या है कि मेरा फर्स्ट मोटो है कि लाइक जो स्टूडेंट मेरे पास है उनका फेस हैप्पी हो जब मेरे पास आए तो भी और जब मेरे पास से जाए तो भी। ठीक है, सेकंड थिंग लाइक मैंने भी लाइफ के बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं तो मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को हैप्पी करना। ठीक, थर्ड थिंग लाइक कि जब आप कैंपस में जाते हो ऑलरेडी 6000 इंस्टीट्यूट को पे करना है, फिर आपको ड्रेसेज लेने हैं कैंपस के लिए। ठीक है, और फिर ये कि ये भी चीज हो जाएगी तो मतलब एक अंड्यू हार्ट से बहुत हो जाएगा। और बहुत सारे फैमिली जो होते हैं मिडिल क्लास, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं जब वो सीएमए कोर्स कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने इस कोर्स की फीस कम रखी है। तो ये चीज बहुत सही लगा कि फीस भी कम है और कंटेंट बहुत सारे, इतना हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ है, केस स्टडी है और फिर ग्रुप डिस्कशंस जो आप डेली कराते हैं वो बहुत हेल्प करता है। तो मेरे को तो लगता है जिसको सीएमए फाइनल जिसका हो गया उसको क्लास लेना चाहिए, आपसे एक बार तो लेना चाहिए, बहुत उसको हेल्प होगा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने। Thanks. चलो, all the best for your future and stay and like मेरे से connected रहना। कभी भी कुछ लगे you can ask me also like your future guidance के लिए भी। हाँ, हम तो अभी भी कंफ्यूज थे ऑफर लेटर मिलने के बाद भी कि क्या ये लोग का सिस्टम है, मतलब क्या वेरिएबल क्या फिक्स, वो भी आप ही क्लियर किए। देखो मेरे तो पास मैं ये नहीं सोचता कि यार तुम मेरे जस्ट एक स्टूडेंट हो, तुमने फीस दे दिया, मैंने तुम्हारा प्रिपरेशन करवा दिया, दैट्स इट। मैं एक ना एक रिलेशन मेंटेन करना चाहता हूँ हर किसी के साथ। ठीक है, सो एवरीवन फील ना कि लाइक कि जो डिसीजन उसने लिया उस पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कि उसने मुझे चूज किया एज ए मेंटर, वो डिसीजन उसका कभी गलत ना हो। हाँ गलत तो नहीं, बहुत अच्छा प्रूव हुआ है। तो यही मेरा टारगेट है मतलब आपका क्लास। चलो फिर बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू भैया, और अचीव मोर सक्सेस इन योर लाइफ। अभी आप स्टडी को और कंटिन्यू कर सकते हो फ्यूचर के लिए, ट्राई टू प्लान सम न्यू कोर्सेज। ओके, आप इसके लिए और सेल्फ तो बहुत सारी चीजें हैं जो लाइफ में अभी आप कर सकते हो, यू कैन फोकस ऑन दैट एरियाज। बाय बाय, टेक केयर, बाय।